नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख नौकरी देने का वादा की थी, लेकिन अभी तक वह धरा का ही धरा ही है। आपको बता दें कि मंगलवार को आरजेडी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा घेराव कर रही है। हो बढ़ता अपराध हो, लगातार सरकार जो लोगों को झूठ बोल रही है, अंधेरे में रख रही है, तो आज जरूरत है कि सरकार को आईना दिखाया जाए और सरकार से जवाब मांगा जाए। पिछले चुनाव में आप सब लोगों ने जानते थे, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर आरजेडी विधानसभा का घेराव कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर युवा कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन युवा कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि सरकार हमें परमिशन दे या ना दे, हम विधानसभा का घेराव जरूर करेंगे। देख सकते हैं कि अलग अलग वेशभूषाओं में आरजेडी कार्यकर्ता आज विधानसभा का घेराव करने के लिए राजधानी पटना की ओर कुछ कर गए हैं। आपके सामने तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग नज़ारे आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा पेश किए जा रहे हैं। देख सकते हैं गाड़ियों में भी प्रदेश का चिन्ह, चुनावी चिन्ह लगा रखा है, साथ ही हेलमेट पर भी चुनावी चिन्ह लेकर, लालटेन लेकर घूम रहे हैं आरजेडी कार्यकर्ता। यानी कि नए नए तरीके से, अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रही है आरजेडी के लोग। जेपी गोलंबर के पास आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। इसका जायजा लिया नेशन न्यूज के संवाददाता उत्कर्ष ने। गांधी मैदान के पास स्थित हैं। आपको बता दें कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके के हुजूम है। आज 23 तारीख है, जो आह्वान किया गया था आरजेडी के तरफ से कि आज विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितने तादाद में जो लोग हैं वो यहां मौजूद हैं। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा है और यहां से जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आइए जानते हैं इन लोगों से कि क्या कुछ इनका कहना है। मांग यही है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम और मेडिकल साइंस किसी भी हाल में सुधारना चाहिए, माफिया, शराब माफिया को अरेस्ट करना चाहिए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग मोतिहारी से आए हुए हैं। तो आप लोग का विधानसभा घेराव था, लेकिन पुलिस आगे जाने नहीं दे रही आपको? क्या सर, विधानसभा नहीं, घेराव नहीं जाने देंगे तो हम लोग तोड़ के जाएंगे। लेकिन आज, लेकिन जाएंगे, आज घेराव करेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम। नालंदा से हम आए हुए हैं, हम लोग यही मांग है कि हम युवाओं को जो 19 लाख रोजगार देने की बात किए हैं नीतीश कुमार, चुनावी का काम करेंगे। हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। बैरिकेड बैरिकेड तोड़ के चढ़ने का काम करेंगे। देश तेजस्वी जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद। देख सकते हैं इस तरीके से साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि ये जो नौकरी की बात कही थी सरकार, उसमें विफल है। जो सरकार एक तरफ से कह रही थी कि बिहार में शराबबंदी लागू है, वो साफ तौर पर विफल नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैनर के तले पूरा बिहार, राजधानी पटना आ चुका है। आप देख सकते हैं साफ तरीके से लिखा हुआ है कि आज 23 तारीख को राजद की तरफ से घेराव होना है। और जो लोग हैं आप देख सकते हैं, पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर इन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता है तो ये बैरिकेडिंग तोड़ कर जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे, और कैमरा पर्सन अमित के साथ में उत्कर्ष, नेशन न्यूज। वहीं जेपी गोलंबर के पास आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका जायजा लिया नेशन न्यूज के संवाददाता राजीव कमल ने। घेराव करने के लिए आपके राजद कार्यकर्ता, आपको देख सकते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा काफी तेज हो चुका है,
कार्यकर्ता इनको घेरे हुए है, गाड़ी उनकी लगता है पहुंच चुकी है, आइए देख रहे हैं। हाँ तेजस्वी यादव साहब, हाँ तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, आप सुन देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव गाड़ी में अभी पहुंच रहे हैं कार्यकर्ताओं अपना जोश बढ़ाने के लिए। अब देख कार्यकर्ताओं से काफी भीड़ घिरे हुए हैं, तेजस्वी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम तेजस्वी आपको दिख रहे हैं गाड़ी के अंदर और काफी भीड़ है यहाँ, मीडिया और कार्यकर्ताओं का काफी हमारा भीड़ है। जेबी गोलंबर के पास पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में काफी जोश है क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए आपको क्या होता है। कैमरामैन अमित के साथ में राजीव कमल पटना से।